यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा 7 साल का। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही घूमते। एक ही दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गया। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया और जोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर जब छोटे बच्चों को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नज़र पास ही पड़ी एक बाल्टी पर, जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंका और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने को बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को इस बचाने में कामयाब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्होंने असली डर तो इस बात का था कि जब वो गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते हुए कुएं में गिरने और रस्सी के सारे छोटे बच्चों द्वारा अपने को बाहर निकलने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे। आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सारे कुएं से बाहर कैसे निकल सकता। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चचा कहते थे। करीम चचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठा होकर करीम चचा के पास पहुंचे और बोले, चचा हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चचा बोले, बच्चों बता तो रहे हैं उन्होंने यह कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चों को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चचा मुस्कुराए और बोले, सवाल यह नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल यह है कि वह यह कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा कर रहा था उस वक्त उसको वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं है।